नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कंप्यूटर का सेकंड वीडियो। इसमें हम कंप्लीट करेंगे 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31। एक ब्लू रे डिस्क की अधिकतम स्टोरेज क्षमता होती है 10 GB से 20 GB, 20 से 30 GB, 30 से 40 GB, 25 से 50 GB। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 25 से 50 GB। क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को लेजर किरण द्वारा स्टोर किया जाता है। डिस्क की सतह पर 1S और 0S का चित्रण, इनको पिक्सल बोला जाता है दोस्तों, पिक्सल होते हैं, चित्रण और द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक ट्रैक सेक्टर लेंड्स पिट्स कंसेंट्रिक सर्कल बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंड्स और पिट्स। गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU, कंट्रोल यूनिट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 31, 34। खालिस्तान पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बस USB, CPU, MIDI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो साउंड को जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? MIDI। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। सन 1931 में प्रस्तुत किया गया इंटेल चिप को किस पीढ़ी में रखा गया है? कौन सी पीढ़ी में रखा गया है जो इंटेल चिप प्रस्तुत की गई थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल वाली चिप को चौथी पीढ़ी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36। सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? अबेकस, पास्कल लाइन, पास्कल कंप्यूटर, एनालिटिक इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पास्कल लाइन। फिर है क्वेश्चन 37। कीबोर्ड में F1, F2, F3 से लेकर F12 कुंजियों को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सीधा बता देता हूँ, इनको कहा जाता है फंक्शन कुंजी। ठीक है, आप सभी ने देखी होगी, ऊपर होती है फंक्शन कुंजी। कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में कौन मापन की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन नंबर एक बिट, बाइट, निबल, वर्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट। क्वेश्चन नंबर 39। सन 1646 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रथम बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। इसे किस नाम से जाना गया? यूनिवेक, एनिएक, अबेकस, नॉन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिएक। ठीक है, 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रथम बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इसका नाम क्या था? एनिएक। क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होती। स्टोरेज आएगा दोस्तों, यहाँ पर नाम गलत दे रखा है, इसका सही होगा स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 41। यह इंफॉर्मेशन सिस्टम का भाग है। कौन सा है? डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 42, सीपीयू की विशेष मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, मेन मेमोरी, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर द। चार्ल्स बेबेज ने किस प्रथम सामान्य उद्देश्य ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, यूनिवेक, एनीएक, एबेकस, एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसे प्रथम कंप्यूटर माना गया है, यूनिवेक, एनीएक, एबेकस, एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है, एबेकस, कौन सा है, एबेकस, ऑप्शन नंबर स। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक होता है, किस तरफ होता है, बाहर की ओर, अंदर की ओर, पूर्णतः मशीन पर आधारित, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहर की ओर। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक होता है कहाँ पर, बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन इनपुट पॉइंटिंग उपकरण का उदाहरण है, माउस, ट्रैकबॉल, ट्रैक पॉइंट, टचपैड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था जिसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, कौन सा है, यूनिएक, एनीएक, अबेकस, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवेक। चेक, बैंक में चेक को पढ़ने, चुंबकीय स्याही के अक्षरों के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग होता है, OCR, MCR, OMR, MICR। तो दोस्तों उसका नाम होता है MICR, क्या होता है, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों MICR का, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है, कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण कौन सा है, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, MIDI, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा इनपुट उपकरण, ये सभी क्या है, इनपुट उपकरण है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है, देखो दोस्तों जो इनपुट आउटपुट है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, इनमें से दोस्तों क्वेश्चन लगभग ऐसे मानो कि 100% ही आता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बना के दे देते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। कौन सा होगा, देखो इन आउटपुट वाला, स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं, वेब फाइल, कुकीज, वेबसाइट, टेम्पलेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, डिस्क के प्रथम सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है, नल, डेडलॉक, मास्टर बूट, रिकॉर्ड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं, 63, 128, 256, 512। तो डिस्क का जो जीरो वाला ट्रैक होता है उसमें सेक्टर होते हैं 63, कितने होते हैं, 63। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है, ड्रैग करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, उपरोक्त से ये जो माउस होता है इससे सभी काम होते हैं, कौन से, ड्रैग करना भी होता है, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, सभी माउस से ही होते हैं। निम्न में से कौन इनपुट आउटपुट उपकरण है, ऐसा कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करता है, फैक्स मशीन, मॉडेम, इंटरनेट फ़ोन, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों दोनों क्या है, इनपुट और आउटपुट है। फिर आता अपना क्वेश्चन नंबर 58,
किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है? स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस। इनपुट के लिए क्या आएगा दोस्तों? स्कैनर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर के लिए विशेष कागज की ज़रूरत होती है? थर्मल, चेन, इंकजेट, लेजर। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्मल प्रिंटर। कौन सा आ जाएगा? थर्मल प्रिंटर। एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 बिट। कितना हो जाएगा? 8 बिट। तो ठीक है दोस्तों, हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन बता रहे हो आप इनका रिवीजन साथ साथ में कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी ने पढ़ रखे हैं, लेकिन इसमें हमारी कमी क्या होती है कि इनका हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।